सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए घंटी का बटन जिससे आपको मिल सके हमारी नई रेसिपी सबसे पहले। नमस्कार, संगीताअग्रवाल.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम आटे के लड्डू बनाएंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी गेहूं के आटे की, पीसी हुई चीनी की, नारियल के बुरादे की, उबले हुए दूध की, देसी घी की। देसी घी की जगह आप डालडा घी भी ले सकते हैं, पर रिफाइंड ना लें। इलायची पाउडर की, बारीक कटे हुए बादाम की, बारीक कटे हुए काजू की। अब हम सबसे पहले एक पैन को गरम करके उसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी करेंगे। हमारा घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें गेहूं का आटा करेंगे। आटे को हमें मीडियम और लो गैस पर भूनना है। पहले गैस को 2 मिनट तेज रखें, उसके बाद हल्का कर दें। आटे को हमें हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। हमारे आटे में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। हमें इसे भूनने में 5 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें नारियल का बुरादा और पिसी हुई चीनी मिला करके इन सबको अच्छे से मिलाएंगे और 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। हमारी सभी चीजें अच्छे से मिल चुकी हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए काजू डाल करके फिर से 1 मिनट के लिए चलाएंगे। हमें गैस को हल्का ही रखना है। हमारा मिश्रण भुन चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। हमारा मिश्रण हल्का ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे। हमारा पेस्ट अच्छे से मिल चुका है और इसमें 3 बड़े चम्मच दूध लगा है। अब हम थोड़ा सा पेस्ट हाथ में लेंगे और इसके लड्डू बनाएंगे। और इसी तरीके से हम सभी लड्डू बना लेंगे। लीजिए, हमारे आटे के लड्डू तैयार हैं। इन्हें बनाने में हमें 10 मिनट लगे हैं। ये आपको कैसे लगे ये हमें जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।